नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। थाना गंगाघाट क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में युवक को मारी गोली। आशीष गिरी पुत्र स्वर्गीय झंडा शंकर गिरी उम्र करीब 45 को मारी गई गोली। घर वापस आते वक्त रास्ते में सिगरेट पी रहा था, तभी अज्ञात लोगों ने मारी गोली। हाथ में लगी गोली, घायल भागकर अपनी जान बचाते हुए पहुंचा कोतवाली गंगाघाट। सूचना पर पहुंचे पुलिस कप्तान व अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस की चार टीमें लगाकर घटना की कराई जा रही है जांच, जल्द होगा खुलासा। समाचार ए टू जेड के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। सामने आया है युवक गोली लगी, क्या है पूरी घटना, किस तरह कार्रवाई करी जा रही है? देखिए, एक मजरूफ हैं आशीष गिरी, सन ऑफ श्री जटाशंकर, स्वर्गीय जटाशंकर गिरी, उम्र इनकी 45 साल है, जो कि गांधीनगर शुक्लागंज के रहने वाले हैं। आज ये रात को जब वापस लौट रहे थे अपने काम से, तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनके पीछे से किसी ने फायर आर्म से इन पर अटैक किया है, जिससे इनकी गोली पीठ में लगी। फिर उसके बाद ये अपने घर आए और फिर इनके भाई साहब ने इनको ले करके पुलिस स्टेशन पहुंचे। फिर वहां से जब इनको चिट्ठी मजरूरी से भेजा जा रहा था, तो उसके बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल में यहां पे अभी अपना इलाज करा रहे हैं। और इन्होंने कुछ नाम भी बताए हैं जिस, और ये व्यक्तिगत रंजिश का मामला लग रहा है। और जो नाम बताए हैं उनको धरपकड़ के लिए हमने चार टीमें बना ली हैं, और हम जल्द से जल्द इनको पकड़ भी लेंगे और इस घटना का अनावरण कर लेंगे। अभी क्या हालत कैसी है? डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं कि अभी तो इनकी हालत स्टेबल है, बाकी इनका इलाज चल रहा है और वो पूरी तरह से अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन है। नाम कौन से बताए हैं?